much fun in ages. What did you say your name was? वो भाई क्या हाल है सबके। देखो यार वापस यार तुम लोग का स्वागत है WCH गेमर्स में। अभी देख ही सकते हो कि यार हम लोग खेल रहे पोकेमोन का एक ब्रांड न्यू कहा जा सकता है इसको, क्योंकि यार ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही रोम हमको लग रहा है। पोकेमोन अल्ट्रा रेड काफ़ी ज़्यादा सही है यार ये। देखो सबसे पहला चीज़ यार अपना पार्टी, ठीक है पार्टी तुम लोग देख सकते हो। इसमें मेरा फुल्ली टीम को हम करने वाले इवॉल्व, ठीक है सारे पोकेमोन्स को। और हाँ एक दो खास चीज़ हम तुम लोग को बता देते हैं। पहले तो हम कुछ अच्छे पोकेमोन्स भी कैच किए जो कि हम तुम लोग को सबसे पहले दिखा देते हैं, क्योंकि पता है एपिसोड ख़त्म होने के बाद हमको याद नहीं रहता है कि पोकेमोन्स दिखाना है कि नहीं। तो इससे अच्छा सबसे पहले वो चीज़ दिखा देंगे तुम लोग को तो हम निश्चिंत हो जाएंगे ऐसे में। तो चलो समरी में देखा जाए, ये देख सकते हो ये एक साइनी हमको मिला, बहुत ज़्यादा सही लगा था। और फिर मेरे पास दो साइनी ऐसे दिखा देते तुम लोग को। एक और कहाँ गया यार, ये वाला तो हमको ट्रेड करने से मिला, ठीक है। और हाँ देखो ये रहा, ये वाला साइनी ही पोकेमोन है, हमको ये पोकेमोन को ट्रेन कर रहे थे तब मिला था। और यहाँ ये देख लो चिकोरीटा भी इवॉल्व करने वाली है, ये तो डोलीप है। और ये भी हमको ज़्यादा अच्छा लगा मकड़ी, ठीक है ये जिगली पप का मकड़ी है जो कि हमको काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा। तो हम सोचे यार कैच कर लेते क्योंकि इसको भी इवॉल्व करना है हम लोग को। तो चलो अंडर चलते और यहाँ पे हम लोग अपना पहला कहा जा सकता है पहला ही बैटल, हाँ पहला बैटल करके इसको धोना तो नहीं है हम लोग को, इसको हराना है, ठीक है। और तुम लोग को पूरा एवोल्यूशन दिखाएंगे तो पूरा वीडियो में बने रहो, सबसे अच्छी चीज़ यही है। मे बी इसके ऊपर ये वाला अटैक मेरा सुपर इफेक्टिव नहीं जा रहा, ऊपर से हमको कन्फ्यूज़न भी कर दिया ये बेवकूफ़ स्टामी या स्टारियू। हाँ स्टामी हम किसको लेके आए, ये मे बी हाँ ये ग्रास टाइप है ना, इसको जो कैच किए क्या इसका नाम रहता है यार, लार्विटार। हाँ चलो बहुत ज़्यादा सही, मेरा एक लेज़र लीफ इसको पूरा आराम से हरा दिया ईजिली। ओ मैन हम यहाँ वाला लगता है हटाए नहीं है क्या, चलो कोई नहीं एवोल्यूशन ही दिखाना लगता है। ये वाला छूट गया है मेरे से, कोई बात नहीं होते रहता है, छोटा मोटा गलती इंसान से ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपना मटकेप किया जाके इवॉल्व मार्श टॉम्प में, बहुत ज़्यादा सही भाई। और एक मिनट हम यहाँ पे देख लेते हैं कोई आइटम ऐसे है नहीं, ऊपर दो को पोकेबॉल दिख रहा है। चलो अभी तो मेरा पहला ही पोकेमोन इवॉल्व किया है, अभी तो बाकी का भी बाकी है बाड़ी इवॉल्व करने का। चलो इससे तो हम लड़ ही लेंगे क्योंकि एवोल्यूशन तो करवाना है ना अपने पोकेमोन्स को। चलो देखते हैं, ओ बेल्डम ठीक है, रूबल्डम बहुत ज़्यादा सही भाई, बहुत ज़्यादा सही। हम अपना यही लार्विटार, क्योंकि लार्विटार का लेज़र लीफ काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा इसके ऊपर, ऐसे भी ये रॉक और ग्राउंड पोकेमोन रहता है ये बेल्डम, इसमें बहुत ही ज़्यादा सही भाई। यहाँ पे सही है, इसलिए सही है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीका से इवॉल्व हो रहा है अच्छा से। ऐसे तो वो भी हुआ इवॉल्व, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरा इवॉल्व होते हुए। इग्निशॉर और ये अपना लार्विटार जो है स्प्राउटर, जो कि इवॉल्व करके बन जाएगा पुपिटार क्या बनेगा ये ब्रह्मभीटार भाई साहब क्या नेम है ये लोग का, ये तो साइचिक है, साइचिक इवॉल्व करके क्या बनेगा इसका नेम क्या होगा, फिसलोसिक जो भी नाम था यार, कभी भयंकर नेम था ये तो। बुरीटा इवॉल्व करके बनेगी बेलिफ्टा, ऐसे तो ऐसे बोल दिए पता नहीं क्या, फ्रोसलीफ बहुत ज़्यादा सही नेम यार। अपना ये बेल्डम भी इवॉल्व कर रहा है, ओ मैन ऐसे बता देते हैं यहाँ पे तीन बंदे से हम लोग बैटल के, तुम लोग को बस एवोल्यूशन ही देखा दी ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा सही, दी लास्ट वन तो नहीं है ये, लेकिन हाँ कहने के लिए कह सकते हो, लेकिन काफ़ी अच्छा है ये। चलो अपना टोटोडाइल भी इवॉल्व करके बन गया क्रोकोडाइल, जैसा कह रहे तुम लोग को मेरा मकड़ी भी कर रहा है इवॉल्व, मकड़ी पफ बन जाएगा। इसको क्या नाम इसको बोले, स्पाइडर पप हाँ मकड़ी पप बन जाएगा स्पाइडर पप, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था यार, सच बता रहे हमको बहुत ज़्यादा सुंदर लगा था ये मकड़ी पप।
इसलिए हम इसको कैच किए थे, क्योंकि हम जब बैटल किए थे ना तो एक बंदे के पास था ये मकड़ी पफ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम तुम लोग को एक चीज़ और बता देंगे, यहाँ पे पता है यार पोकेमॉन तो एक तो बहुत ज़्यादा इनकाउंटर हो रहा फालतू का। ऐसे हम जो तुम लोग को बता रहे थे पोकेमॉन जो इतना इनकाउंटर हो रहा, तुम लोग यहाँ पे रिपेल खरीद सकते हो यार। इस गेम में 5 रुपये का मिलता है रिपेल, 5 रुपये। ऐसे हम खरीदे हुए भी हम बस अभी यूज़ नहीं कर रहे, हम अभी यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे बैटल कर लेना उसके बाद हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि यार अब हमको लग रहा है कि हमको यूज़ कर ही लेना चाहिए, जो इतना पोकेमॉन यहाँ पे इनकाउंटर हो रहा है। बेवकूफ़ सारे पोकेमॉन, सब साले कदा दिमाग ख़राब कर दिया। एक तो इतना ज़्यादा आ रहा था ना कि एकदम से दिमाग मेरा ख़राब हो गया वक। चलो कोई नहीं, इसको हराते। इसके पास क्या है? पैम्पी। पैम्पी को अपना बग बाइट, या नहीं तो बग बाइट ही करते। ओह बाइट जैसा अटैक किया है बग बाइट। कोई नहीं, फिर से वन लास्ट टाइम। चलो यार यहाँ पे देखो सब लोग को हरा दिया। मेरा पोकेमॉन एक पॉइजन है। अपना हम टीम को भी चेंज कर लिया, बाकी सब देख सकते हो जो जो हमको टीम अपना प्रॉपर लेके चलना है यहाँ पे। ये सब ही टीम जो है ना, यही था पोकेमॉन अभी मेरा टीम में रहेगा और यही एक प्रॉपर टीम जैसा बनेगा। बस आगे पीछे एक दो पोकेमॉन रहेंगे, ठीक है। अभी के लिए तो मेरे पास एक ये था एंटीडोट। एंटीडोट दे देते अपने यार ये सेजी मेक टैंग। सेजी मेक टैंग बहुत ही भयंकर नेम है जो भी रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना सबसे पहले यार ये रहा मेरा रिपेल। 20 रिपेल जैसा कहे थे 20 रिपेल खरीदे हैं, यूज़ कर भी रहे हैं। और चल भाई ऐसे यहाँ पे एक पोकी बॉल भी दिखा, पैरालाइज हिल। इससे अच्छा आइटम हमको मिलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, चलो जो रहे। यहाँ से निकलना चाहिए। बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन पता है इसका ये जो ग्राफिक डिज़ाइन है ना भाई, सच में दिल खुश कर दिया हमको। बहुत अच्छा लग रहा है हमको सच में। चलो यहाँ पे इससे लड़ना है हमको, इसको हराया जाए। इसके पास देखा जाए ऐसे कौन सा पोकेमॉन है। इसके पास है रोटटा, घोष टाइप। इसका हम टाइपिंग देख लिए, इसको हम कैच भी किए। ओह मैन, इसका हम एवोल्यूशन फॉर्म को कैच किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एम्बर, चलो इसको हरा दिए। यहाँ पे देखो हमको 4-5 बंदे से लड़े, ठीक है। 4 बंदे तो मैक्सिमम थे। यहाँ पे इसको भी हरा दिए कि यार फालतू का लंबा बैटल घिंचा रहा था। जितना दिखाना था, जितना एवोल्यूशन दिखाना था, मेन फोकस तो मेरा वहाँ पे ही था। तुम लोग को जो दिखाना चाहते थे वो कम से कम तुम लोग देख लिए, सबसे बड़ा चीज़ था मेरे लिए। चलो यहाँ पे क्या मिल रहा हमको? ये TM5 रोड होता है, लेकिन ये अब रिकवरी है भाई। इस ये गेम में TM को भी चेंज कर दिया गया, यानी कि जो हम थंडर वंडर वाला TM मिलेगा, पता नहीं वो कौन सा थंडर माने कि TM होगा। चलो देखा जाएगा जो होगा तब, तब का तब देखेंगे। अभी तो हम लोग सेलुरियन सिटी में आ गए। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले पता है क्या करना है, हम लोग को जिम भी लड़ सकते हैं, नहीं ना तो हम लोग क्या नाम है उसका, गैरी को भी डिफीट कर सकते हैं। हम दो चीज़ सोच रहे, पता है क्या, या पहले हम चल के गैरी को डिफीट करते हैं फिर चल के जिम लड़ते हैं, नहीं तो पहले हम जिम तोड़ते हैं जा करके फिर गैरी को डिफीट करते हैं, ठीक है। दो ही चीज़ हमको करना है अभी के लिए, तो अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो चलो एक राउंड मार लेते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किसको सबसे पहले मारेंगे या किसको सबसे पहले हराएंगे। चलो गैरी के पास आके हम रुक रहे हैं, तो मे बी हम सोच रहे गैरी से ही पहले हम कर लेते हैं बैटल, ठीक है। और मे बी मेरा जिस जैसा पोकेमॉन सब है ना, गैरी को तो इजीली टेक डाउन कर देंगे। चलो देखते हैं, ऐसे मे बी गैरी का भी पोकेमॉन्स का लेवल अच्छा खासा होना चाहिए अभी, क्योंकि हम अपना पोकेमॉन्स को अच्छा खासा लेवल अप किए हैं। इसका भी 16 लेवल और मेरा 15 लेवल, मेरा पोकेमॉन्स का 20 लेवल तक गया है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हरा सकते हैं। ऐसे भी इसका म्याउट जो है ना फेरी टाइप लग रहा है, तो हम इसको ये ले आते अपना मास्टम्प को। मे बी ये फेरी हो या नॉर्मल हो, मे बी फेरी ही जैसा दिख रहा है, कोई नहीं। ड्रेन किस भाई साहब, ये मेरे ऊपर सुपर इफेक्टिव है। कमॉन यार, हमको लगता है पोकेमॉन ही चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको ले आए क्या मैटैंग को, क्योंकि मैटैंग के पास रॉक टाइप और ग्राउंड टाइप मूव है ना, तो अच्छा खासा डैमेज दे दे। ऐसे भी ये पंख वंख लगा के तो मे बी इसके ऊपर क्या नाम है इसका रॉक टॉम्ब, भाई साहब हरा दिया एक बार में ही। हमको पहले ही लेके आ जाना चाहिए था मटैंग को। कोई नहीं, इसका मर्मिलियन, मर्मिलियन बहुत ज़्यादा सही भाई।
अपना ब्रह्मभीटार, ब्रह्मभीटार का यार ब्रह्म में डाल दिया उसको अपने लीफ स्टॉर्म से, या नहीं तो लेजर लीफ कहना चाहिए आपको ज़्यादा सही अभी के लिए। लोसीना, ये पता नहीं कौन सा पोकेमोन का तो नेम था ना, कैशनिया, हाँ कैशनिया, भाई साहब कैशनिया ये। चलो आई शार्ट से चलो चला गया। अब दी इसका लास्ट वन। ओ मैन क्या बेहतरीन लग रहा है यार ये स्प्रीज रोल्ट, माने कि थंडर टाइप है भाई, रोल्ट है थंडर टाइप है वो, गजब भाई। स्पैरो, स्पैरो ना कहना चाहिए उसको, स्पैरो भाई गजब था यार, सच में गजब था, हमको काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा। हम हो सकेगा ना तो हम कैच जरूर करेंगे भाई, उसको मिलेगा तो हमको, इतना सारा पोकेमोन कैच किया उसको कैच करना तो मेरे लिए बनता भी है। मेरे पास एक थंडर टाइप भी पोकेमोन हो जाएगा टीम में। ऐसे तो हम सोच रहे कि पोकेमोन्स को यार अपने सही सही जगह पे रखे, तुम ही लोग देख के बनाना। ऐसे तुम लोग को तो हम अभी के लिए बहुत सारा पोकेमोन दिखा दिए जो हम कैच किए हैं, और हाँ इसमें हम रेयर कैंडी ये सब यूज़ नहीं कर रहे, तो कोई भी ये मत बोलना कि रेयर कैंडी से इवॉल्व किया या मास्टर बॉल का चीट कोड यूज़ कर रहा है, भाई अभी तक एकदम नहीं किए चीट कोड यूज़। लास्ट में जाकर के मास्टर बॉल का चीट कोड लेंगे पोकेमोन कैच करने के लिए, मे बी हम कैच तो करते नहीं लेजेंडरी, देख सकते तभी के लिए भी। अभी के लिए तो एक्सपीरियंस शेयर ले करके हम अपना इसको दे दे रहे एक्सपीरियंस शेयर, क्या नाम है अपना इसका, टॉर्चिक को। चलिए एक मिनट, हम इसको लकी एक दे दिए और इसको हम दे देते एक्सपीरियंस शेयर, है ना, क्योंकि ऐसे भी वाटर टाइप जिम में हम लोग जा रहे लड़ने तो फायर टाइप का कोई काम भी नहीं है, तो ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करेगा तब तक। चलो भाई अब तैयार हो जाते हैं हम लोग लड़ने के लिए, क्योंकि मिस्टी ईजी तो नहीं रहेगी, मिस्टी हम लोग के लिए थोड़ा बहुत तो हार्ड रहेगी ही, देखते हैं बस। ये हम लोग को इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन लेके जाने के लिए कर रहा है, इलेक्ट्रिक और ग्रास, देखते हैं। मेरे पास ग्रास तो इलेक्ट्रिक बस नहीं है, कोई नहीं चलो हम हराने का तो ऐसे हम डम रखते हैं मिस्टी को। इसके पास है क्रैबो लेटो, बहुत ही बेहतरीन नेम है ये, एक वाटर टाइप और क्रैब वाला पोकेमोन है। चलो अच्छा खासा इसको डैमेज दिए हम, सही में अच्छा खासा हम डैमेज दिए उसको, बस मेरा पोकेमोन का थोड़ा सा हालत ख़राब है। चल भाई हील करा के आ गए, अब इसको रोका जाए, है ना, मिस्टी को देखते हैं। इसको बक्सिकेन, ये कैसा नेम है भाई, ऐसे हम बता देते ये स्टील टाइप पोकेमोन होता है, ठीक है, तो अपना फाइटिंग टाइप को ले आया है, हम इससे पहले लड़े ना तो हारे थे, कोई नहीं चलो इसको तो हरा दिए अभी के लिए। एक क्या नाम है यार इसका, इबी इबी इबी, ये तो वही अपना सेम है, क्या नाम है उसका, क्या उसका नेम रहता है यार, इग्लीपप, जिग्लीपप नहीं यार वो नहीं था, टोगेपी, हाँ टोगेपी। चलो ऐसे भी ये डाइव किया था ना मीटियोराइट या मीट्रोमैस से, अपना लेजर लीफ करके इसको टेक डाउन हो रहा था लेकिन हुआ नहीं, कोई नहीं, कम ऑन यार इसको हम हरा सकते हैं, चलो हार गया। बहुत ज़्यादा सही भाई, बहुत ज़्यादा सही। अभी तो यहाँ पे इसका मेन पोकेमोन आना बाकी, यही ये एक पता है, एक मे बी ये पॉइजन टाइप है, ठीक है, और मेरा साइबीम इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव है, और एक और बार हम साइबीम, कम ऑन यार बस हार जा। चलो पिछले बार पता है मेरा यही जो है ना फिलोस्केन, ओ ये अपना तो गल्फिन है, माने कि एक वाटर टाइप और ग्राउंड टाइप पोकेमोन, कोई नहीं। आइस फैंक, डैमेज अच्छा खाता है भाई, डैमेज अच्छा खाता है। आइस शार्ड, सुपर पोशन, भाई ये गलत है, ये सच में गलत है, कोई नहीं हम एक और बार करते हैं कोशिश, धो देते साले को भाग यहाँ से, हाँ कोई नहीं। मिस्टी को ऐसे हराने में सच में मेरा पसीना निकल गया, सच बता रहे माथा में एकदम पसीना पसीना हो गया, मिस्टी को हराना इतना इजी नहीं था, देख के लग रहा है ना जितना इजी तुम लोग को देखा है उतना इजी था नहीं, हम इससे एक बार हारे हैं, ये दूसरा बार मैं रीस्टार्ट किया था मैच, ऐसे पता ही तुम लोग को कि हम क्विक क्विक सेव करके ही
मैच वैच खेलते जिम वाला, और अभी के लिए तो कर रहे गेम को सेव। तुम ही लोग बताना कि ये वाला एपिसोड कैसा लगा, ऐसे कंटिन्यू वीडियो ला रहे तो कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं।